नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। देश के अन्नदाता लगातार हो रहे परेशान, नहीं सुन रहा उनकी कोई। परेशान किसान पहुंचा कलेक्टर के पास। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो गए। चुनाव के दौरान किसानों को लेकर तमाम तरीके के वादे किए गए थे। कहा गया था अब नहीं होगा कोई किसान परेशान, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए किसानों की कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान केवल इधर से उधर भटक रहा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने में नज़र आया रीवा की कृषि उपज मंडी में। यहाँ पर सिमरिया से कुमरा समिति के किसान वहाँ से थक हार कर परेशान होकर रीवा पहुँच गए कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर। लेकिन ऐसा लगता है उनकी शायद कहीं कोई सुनवाई हो। वैसे भी इधर कुछ दिनों से रीवा की कृषि उपज मंडी चर्चाओं में बनी हुई है, कभी कम तौल को लेकर तो कभी वजन के नाम पर। वहीं कृषि उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वहां आया गेहूं उचित स्थान पर रखवाने में अभी तक असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों हुई अल्प वर्षा ने गेहूं को भिगो कर रख दिया। अब देखना है प्रदेश और केंद्र की सरकार, जिन्होंने चुनाव के दौरान किसानों के हित में लंबे चौड़े वादे किए थे, कब पूरे करते हैं। कुम्हारा जुड़वानी समिति के समिति सेवक राधे श्याम गौतम उनके द्वारा दो चार एक आपराधिक किस्म के माने व्यक्ति रखे गए हैं। वही लोग मतलब तमाम अनाज किसानों से तौलवाते हैं, किसी से 2000 किसी से 1500 इस तरह से पैसा लेते हैं। पैसा न देने पर उनका अनाज भी नहीं लेते, अनाज भी आधा अधूरा तौलवा के माने अपने कोटे में ले लेते हैं और उनको अपमानित करके गाली मार करके भगा भी देते हैं। आज हम आज तीन दिन से तमाम रीवा में माने पड़े हैं और तमाम अनाज ले हर ट्राली 2000 कम से कम 2000 रुपए इस तरह से माने लेते हैं। हाँ, ये क्या नाम है उनका? समिति प्रबंधक, समिति प्रबंधक का नाम राधे श्याम गौतम है। उनसे बताया आपने क्या उनसे? हाँ जी हाँ, हमने बताया और वो इधर उधर रहते हैं, उनके दो चार माने इस तरह से काम करने वाले रहते हैं जो काफ़ी क्रिमिनल हैं और लड़ाकू हैं, आपराधिक किस्म के भी हैं। उच्च अधिकारियों से भी आपने शिकायत की थी? माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन किए हैं और ये कंट्रोल, ये खाद्य विभाग के कंट्रोल अधिकारी क्या कहते हैं उनको, फूड कंट्रोलर, उनसे भी निवेदन किए हैं। तो उनसे हमने जो निवेदन किया तो वो हमारे निवेदन को, हमें ऐसा लगा वैसे जो भी हो कि ये तो सुनी नहीं रहे। कुल कितना गल्ला होगा हमारे पास? 25 कुंटल है। करहिया मंडी आए हैं आज? करहिया मंडी आपको धोखा हो गया? कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया और कलेक्टर साहब से निवेदन हमारा फ़ोन में कलेक्ट्रेट उनके निवास पहुंचने के बाद भी मतलब कहते हमारा उनसे बात फ़ोन में हुआ। हमने प्रयास किया कि कलेक्टर महोदय से रूबरू हो जाएं और कम से कम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर लें, अपनी तकलीफ बता दें, पर चूंकि अधिकारी हैं और जिला के अधिकारी हैं और हम उनके आदेशों पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ उन्हें उन्हीं के गेट पर फ़ोन रखा था तो फ़ोन से हमारी उनकी बात हुई है। अब फ़ोन से ही हम उनसे अपनी तकलीफ अपना निवेदन किए। वहीं दूसरी ओर एक नज़ारा हम आपको और दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको रीवा की पुरानी गल्ला मंडी। यहाँ पर खुलेआम अवैध तरीके से गेहूँ की खरीदी हो रही, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके गेहूँ की खरीदी की जा रही, जिसके चलते आसपास के दुकानदार लगातार परेशान हो रहे। इनके बीच में रोज विवाद की स्थिति निर्मित होती है, कभी एक पक्ष थाने पहुँचता है तो कभी दूसरा पक्ष, लेकिन इनकी स्थिति में किसी तरीके की कोई भी सुधार नज़र नहीं आ रहा। दबंगों द्वारा बनाई गई परंपरा का निर्वहन निर्विरोध रूप से हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, केंद्र में जहां मोदी सरकार बन गई वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ने किसानों की समस्या जड़ से खत्म करने का वादा किया था, अब देखना है अपना वादा कौन निभाता, या फिर वह वादे भी हमेशा की तरह चुनावी वादों में बदल जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम हरीश है। क्या समस्या है यहाँ पर? ये दिल में गल्ला खरीदता है, पूरा ऑटो ऑटो जो है पूरा रोड तक खड़ा कर देता है, मना करते हैं तो कहता है झूठी, इसके पहले भी रिपोर्ट लिखवा चुका है, अभी भी रिपोर्ट लिखवाने चला गया है झूठी। क्या नाम है उसका? धन्नू अग्रवाल है। और इनके ये यहाँ पे 5-6 जन 7 जन काम करते हैं, कुछ बोलो तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार खड़े हो जाते हैं।